सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम बाजपेयी। खबर को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं ये 15 फरवरी 2024 ब्लॉक मुख्यालय रेवसा अटल चौक की हैं, परिसर की, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जनसैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है पंडाल के नीचे। और ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित बंधन नारी शक्ति महा नारियों का है शक्ति जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बंधन नारी शक्ति का, और जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंचन संदीप वाजपेयी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामस्वरूप भार्गव और समस्त ब्लॉक के कर्मचारीगण उपस्थित हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और 33% महिलाओं को आरक्षण देने के बारे में केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं का खूब बखान किया। और वहीं पर महिलाओं को स्वावलंबी होने की बात कंचन संदीप वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला मंत्री ने कही। और आइए आगे बताते हैं कैसे क्या बोली कंचन संदीप वाजपेयी जिला महिला मोर्चा की जिला मंत्री। महिला शक्ति अधिनियम पारित किया है जिसमें हमारी महिला बहनों को 33% का आरक्षण मिलेगा। हमारी बहनें संसद तक पहुंचने का कार्य करेंगी, हमारी बहनें आगे तक बढ़ेंगी। इसलिए हमारे माननीय मोदी जी ने हम बहनों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य दिए हैं। जैसे कि हमारे देश की जो महिलाएं थी, हमने सुना है, देखा भी है, पढ़ा भी है कि पन्नाधाय जैसी माँ अपने बच्चों को बलिदान कर देती हैं और उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिलता है। हमारी झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ पे लाद करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के लड़ती रहती हैं, फिर भी उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला। ऐसी हमारी महिलाएं बहने हैं जिन्होंने जौहर अपने संस्कार के लिए जौहर को स्वीकार कर लिया और वो आगे बढ़ती रही, लड़ती रही, लेकिन उन्हें समानता का सम्मान कभी नहीं मिला। बहुत सारी सरकारें आईं, चली गईं, लेकिन उनको समानता का सम्मान नहीं मिला। हमारे माननीय जी ने उनके दुख और दर्द को समझा और उन्हें समानता का अधिकार दिया, इससे वो आगे बढ़ रही हैं। समानता का अधिकार दिया और वो आगे बढ़ रही हैं। उनके लिए बहुत सारी योजनाएं माननीय मोदी जी ने दी है और बहुत सारी योजनाएं दी, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन योजना, समूह के माध्यम से बहुत सी बहनों को जोड़ने का कार्य किया है। हमारी बहनें डीसी शकी बन रही हैं। पहले क्या होता था, हमारी जो महिला थी वो थाने में जाती थी, अपनी बात कहने से संकोच करती थी और अपनी बात नहीं कर पाती थी। अब थाने में पिंक बूथ वितरित किया गया जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ जा करके अपनी बात सरलतापूर्वक कह सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं। ऐसे ऐसे कार्य मोदी जी ने किए हैं। अब हम बहनें जो संकल्प लेती हैं वो करके पूरा दिखाती हैं। इस संकल्प को हमारे समझने का कार्य अगर किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। और किसी ने हमारे सम्मान को नहीं समझा, सम्मान नहीं दिया। माननीय मोदी जी ने हमें जो सम्मान दिया है उस सम्मान को हमें कायम रखना है। और 2024 में माननीय मोदी जी की सरकार बना करके हमें उनका ऐतिहासिक विजय घोषित करके उनको ये संकल्प देना है। मैं ग्रामीण अधिका से जुड़ी मैं समूह सखी पद से कार्य करती हूँ। मेरे समूह का नाम है जय माँ सरस्वती दुर्गा और मेरे ग्राम संगठन का नाम है भगत सिंह से। आए हुए सभी महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यगण, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करेंगे श्रीमती कंचन वाजपेयी जी से कि आए और आज के साथ बोलेंगी, उसके बाद मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। भारत माता की, भारत माता।
पता है कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने हम बहनों के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हमारे चाचा, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष श्रीमती दीक्षित जी और यहाँ पर नारी शक्ति बंधन समारोह में आई हुई सभी मातृशक्तियों को हमारा हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता में एकत्रित हुए समूह से आगे बढ़े तो ग्राम संगठन बना आपका, फिर क्लस्टर संगठन और आगे का जो संगठन बनना है वो अभी नहीं बन पाए हैं। क्लस्टर तक की जानकारी आप लोगों को हो गई है और आगे ब्लॉक लेवल संगठन, फिर जिला लेवल पे संगठन। अन्य अतिथि हमारे रेवसा विकास खंड के खंड विकास अधिकारी उपस्थित, विकास खंड रेवसा रामपुर मथुरा के सभी अधिकारी कर्मचारी, दोनों ब्लॉकों से सभी ग्राम पंचायतों आई हुई नारी शक्ति, आप सब लोग का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप लोग में उपस्थित हुई हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप लोग अपनी शक्ति को कैसे पहचानें। इसके लिए सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है, एक कार्यक्रम के रूप में, मिशन के रूप में NRLM, जिसके जो बेस है आपका, जिसके तहत आप जो है धीरे धीरे